देखो अगर एक क्वेश्चन क्या करते हैं, ये बहुत बेसिक है सर्कुलर मोशन का, तो आपको आना चाहिए ये ना, ये स्टोन मास है, यहाँ पर एक स्टोन है जिसके पास मास एम है और इस तरह से सर्कल में मूव कर रहा है, जिसकी सर्कल इसकी रेडियस लेंथ एल है, अगर कहते हैं स्पीड इसका भी है, इफ स्ट्रिंग ब्रेक किसी भी पॉइंट पर, अगर स्ट्रिंग टूट जाती है इस पॉइंट पर पार्टिकल है और स्ट्रिंग यहाँ पर टूट जाती है, और अगर इस पॉइंट पर पार्टिकल है तो स्ट्रिंग यहाँ पे टूट जाती है, तो एक्चुअली पार्टिकल किधर जाएगा मेरे भाई? देखो पार्टिकल ये जाएगा बेसिकली, पार्टिकल ऐसे यहाँ पर स्पीड इसकी ऐसे है तो टेंजेंट के अलोंग जाएगा, अगर स्ट्रिंग टूट जाती है तो पार्टिकल इधर मूव करेगा, यहाँ पर वेलोसिटी इधर है तो स्ट्रिंग टूटेगी तो पार्टिकल इधर जाएगा, स्ट्रिंग टूटेगी इधर है, मतलब जो उसका ओरिजिनल पाथ है उसी को तो फॉलो कर देगा। ओरिजिनल पाथ क्या है? वेलोसिटी टेंजेंशियल इधर है तो इधर ही तो जाएगा, तो टेंजेंशियल ही तो मूव करेगा, सेंटर की तरफ नहीं जाएगा यार, एलॉन्ग द टेंजेंट जाएगा, स्टॉप नहीं होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं जाएगा, ठीक ना? थैंक यू।